हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 वेक्टर्स फ्रॉम सेक्शन बी ये स्टडी करेंगे। तो वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी ऑलरेडी जूनियर क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं, तो अब हम उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो हमारे पास वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी का, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो वेक्टर क्वांटिटी का कैसे फाइंड करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर, ये सब स्टडी करेंगे। पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे किसी एक पॉइंट का, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स का एडिशन, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन किसकी, वेक्टर की, किससे, स्केलर से, स्केलर मीन्स रियल नंबर से, वो क्या होती है, और पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। इसके और भी टॉपिक्स हैं बट ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने के बाद ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 आप सॉल्व कर पाएंगे, मींस एक्सरसाइज 1.1 से पहले आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मींस वेक्टर्स है उनका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन, ये सब स्टडी करेंगे। इसके ऊपर बेस्ड आपके पास ML अग्रवाल की एक्सरसाइज है 1.2। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं, इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास ML अग्रवाल की एक्सरसाइज है 1.3। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये हमारा सिलेबस का पार्ट इस ईयर नहीं है, ये रिड्यूस सिलेबस में है, इसके ऊपर बेस्ड ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.4 है जो कि हमें नहीं करनी। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेबस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जूनियर क्लास में आपने स्टडी किया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेनली क्लासिफाइड कर सकते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी में और स्केलर्स क्वांटिटी में, ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेयर एज स्केलर हैव मैग्नीट्यूड ओनली, कि स्केलर में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सपोज एक स्टूडेंट है, 3 किलोमीटर चलता है वो टूवर्ड ईस्ट, उसके बाद टर्न करता है और 4 किलोमीटर चलता है टूवर्ड नॉर्थ। इसी को दोबारा से बना लेते हैं, 3 किलोमीटर चला टूवर्ड ईस्ट, 4 किलोमीटर चला टूवर्ड नॉर्थ। तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो यहां से चला और यहां से चला, तो डिस्टेंस इसका आ गया आपके पास, डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, प्रैक्टिकली सोचिएगा, देखिए 7 किलोमीटर। ओके, अब अगर यही स्टूडेंट इस डायरेक्शन में चलता 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता, या 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता, 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चलता, तो डिस्टेंस हमेशा कितना रहता, 7 किलोमीटर ही रहता। मींस यहां पर आपके पास डिस्टेंस में, ये 7 किलोमीटर, डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, तो मींस ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पहुंच गया, तो यहां पे पाइथागोरस लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3² + 4² अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना कहेंगे, इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है, थीटा, 10θ = 4/3, दैट इज at θ = 10 inverse 4/3, ये डायरेक्शन हो गई। इसी में अगर वो 3 किलोमीटर ऐसे चलता, 4 किलोमीटर ऐसे चलता, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसका बदल जाता, यहाँ तो पाइथागोरस लग गई, यहाँ पे हमें दूसरे रूल से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था पड़ता। मींस ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डायरेक्शन के ऊपर मैट कर रही है, इट मींस दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी में अगर हम लोग कहें इस स्टूडेंट को 2.5 आवर्स लगते हैं ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इतने डिस्प्लेसमेंट में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स 7/2.5, दैट इज 2208 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहां पर देखिए कि स्पीड किसके ऊपर, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये आपके पास स्पीड क्या आ गई, स्पीड आ गई आपकी स्केलर क्वांटिटी।
इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस 5 अपॉन 2.5 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। मींस यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है आपके पास डायरेक्शन के ऊपर, वेलोसिटी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी और ये हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज किस तरह से डिफाइंड होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वांटिटी की बात करें, स्केलर क्वांटिटी की, तो जैसे अभी हमने लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड ये तो देख ही लिया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क डन, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, मनी, वोल्टेज, ये सब स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हमने देख ही लिया, एक्सीलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के आगे प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले जो हम लोगों ने जूनियर क्लास में स्टडी किया है, एक बार टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल प्लेन एक बार हम उसको स्टडी कर लेते हैं। ये हम लोगों की, तो ये आपके पास था टू डायमेंशनल, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पे कोई पॉइंट पी था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, तो हमने कहा कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो दिस इज अवर एक्स एंड दिस इज अवर वाई, ओके, या दिस इज अवर एक्स, दिस इज अवर वाई, ओके। ये आप बहुत जूनियर क्लास में स्टडी कर चुके हैं। अब थ्री डायमेंशन देख लेते हैं, थ्री डायमेंशन भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो थ्री डायमेंशन में क्या था, हमारे पास तीन एक्सेस थी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। अब यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्या है कि हमें टू डायमेंशनल प्लेन पे थ्री डायमेंशनल फिगर बनानी पड़ती है, तो वो कई बार विजुलाइज नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि ये एंगल जो, ये एंगल होगा थ्री डायमेंशन में और ये एंगल होगा, तो ये तो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है राइट एंगल, बट ये भी 90 डिग्री होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो दिखता है वहाँ होता है, वहाँ आपको विजुलाइज करना पड़ता है चीज़ों को, ओके। अभी दिखाएंगे भी हम आपको यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे आपको सारे फिगर से विजुलाइज करा दें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। सपोज आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे पी एक्स वाई जेड, इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपके पास तीन प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला, ये आपके पास एक्स जेड प्लेन, ये क्लास 11th का रिवाइज करा रहे हैं हम आपको, ये वाई जेड प्लेन। बट ये बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये किस तरह से विजुलाइज होता है, हम लोग कोशिश करेंगे विजुलाइज कराने की, और जब तक ये विजुलाइज नहीं हो रहा है तब तक आप इसे फोकस तरीके से देखते रहिए, सिर्फ ये अपने आप विजुलाइज होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार अपने आप विजुलाइज हो जाएगा, कोई भी टफ नहीं है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पी से, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पी से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे टू डायमेंशन में, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में, ओके। अब ये तो दिखाई दे जाता है परपेंडिकुलर, अभी कैसे दिखाई देगा देखिए, चलिए पहले दिखा देते हैं। हमने एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक्स वाई प्लेन, ये कुछ इस तरह से है, देखिए ये कुछ इस तरह से, समझिए कि आप अपने रूम में बैठे हैं, आपने रूम का एक कॉर्नर पकड़ लिया, ये वाला रूम का एक कॉर्नर पकड़ लिया, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपके सामने की वॉल हो गई, ये आपके साइड की वॉल हो गई। तो देखिए अब आपको फ्लोर दिखनी शुरू हो गई, ये फ्लोर दिखनी अगर शुरू हो गई ये वाली, और सपोज आप यहां पे खड़े हुए हैं, ये आप हैं, ये जो आप खड़े हुए हैं ये आप हैं, ये आपका फुट है और ये आपका हेड है, ओके। तो अब आप सोचिए कि आप एक्स वाई प्लेन पे, आपके फुट एक्स वाई प्लेन पे, आप और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में उसके पैरेलल आप खड़े हुए हैं, तो ये आपको विजुलाइज होना चाहिए। देखिए तो ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसी तरह से आपने एक्स जेड प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है पर अब दिखेगा। देखिए इस तरह से अगर हम इसमें शेड कर दें तो अब देखिए ये आपको दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि आप यहाँ पे, आप जैसे हमने बताया यहाँ पे आप खड़े हुए हैं और आपने अपना हाथ सीधा किया और सामने वाली दीवार को टच किया, सामने वाली वॉल को टच किया, या ये कह दीजिए कि ये मिरर है, यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर आप देख रहे हैं, इस तरह से विजुलाइज करिए। तो ये भी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखिए क्या कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, इस प्लेन पे। तो मींस ये जो कोई भी लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब 90 डिग्री एंगल बना रही है इससे। अब इसको थोड़ा बाद में विजुलाइज कराएंगे आपको, फिलहाल सिर्फ प्लेन देखिए, ओके। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से जब हम लोग एक्स जेड प्लेन पे डालते हैं इसका परपेंडिकुलर, तो वो कुछ इस तरह से डलता है, वाई जेड प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे जो परपेंडिकुलर है
वो कुछ इस तरह से पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये हम लोगों का इधर हो गया, इसे दोबारा से कर लेते हैं। तो ये आ गया, इस पॉइंट पी को थोड़ा सा हम लोग इधर ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लिया हमने इधर एक्स वाई जेड, और ये परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिया, और ये परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दिया, ओके, और तीसरा परपेंडिकुलर हमने इधर ड्रॉप कर दिया। अब ये वाला भी देख लीजिए। चलिए, तो ये वाला जो आपके पास वाई जेड प्लेन है वो ये वाला प्लेन है, ओके। तो इसे थोड़ा विजुलाइज करना में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम ऐसा सामने लग रहा है, टू डायमेंशनल है। अब चलिए हम इसे दोबारा विजुलाइज कराते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो है इस पे परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया था, ये इससे इसे मीट करा दिया, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे यहाँ तक ले लेते हैं, अब देखिए अब क्या हुआ, ये जो पॉइंट पी था पी एक्स वाई जेड, अब देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस दिस इज जेड, ये कुछ पैरेललोपिपेड की तरह, और यही जेड, ये भी जेड होगा, ओके। अब इसे जरा फोकस तरीके से देखिएगा। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि हमने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स जेड प्लेन पे, तो एक्स जेड प्लेन पे तो ये जो वाई है ये एक्स जेड प्लेन का डिस्टेंस है, तो ये वाई हो गया। अब देखिए और कहाँ कहाँ वाई है, और वाई है यहाँ पे, देखिए ये इसके पैरेलल है, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, ये भी सेम है, ओके, ये सब वाई है। ये पहले ही क्लियर कर लीजिए, अदर एक्चुअल में क्या होता है, स्टूडेंट इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन करेंगे ये वहाँ पे शायद ये ना आए, बट कहीं ना कहीं ये आपको परेशान करता रहेगा हमेशा के लिए। एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो आगे हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें, देखिए अब ये थोड़ा सा मैटर कर जाता है, इसमें देखें अगर हम लोग ये वाला, अब देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, तो ये है जेड, और इस तरह से देखिए ये भी जेड है, यहां से ज्यादा अच्छा विजुलाइज हो रहा है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा अच्छा विजुलाइज हो रहा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ये भी देखिए जेड है और ये भी देखिए जेड है, ओके, क्लियर। तो ये हम लोगों के पास था थ्री डायमेंशनल। चलिए अब इसमें और एक चीज देख लेते हैं, पैरेलल प्लेन्स में भी एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, ये सब चीजें आपको आगे हेल्प करेंगी। सपोज आपके पास ये प्लेन है और ये जो है एक है एक्स वाई एंड जेड, ओके, और यहां पे अगर हम लोग ले लें, ये अभी दिख भी जाएगा आपको, ये विजुलाइज होगा। ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे आपका विजुलाइजेशन हो जाए। तो ये आपको दिख रहा है कि एक्स वाई प्लेन पे है, ये जैसे मैंने बताया था रूम का एक कॉर्नर है और ये आपका उसका फुट है। अब इसकी छत कहां है, मींस इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन हम लोग चेक कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से बना लें, तो अगर आप ये देखें अब ये वाला प्लेन, तो आपको दिखाई देगा कि ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, मींस अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, ओके, ये विजुलाइज हो गया। अब और क्या चीज है, अब देखिए ये जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, अब हमने जो दो प्लेन बनाए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे आपके जब कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, और फिर वहां पे कंफ्यूजन हो इससे बढ़िया हम लोग पहले ही चीजें क्लियर करते हुए चले। तो ये हमने बना दिया था ये, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे हमने जेड एक्सिस या जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। अब यहां पे इस वाले चैप्टर में वेक्टर आएगा,
तो ये जो लाइन है आपको दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस एक्स वाई प्लेन के, मतलब ये जो लाइन सपोज एल है, एल इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ओके, पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब हमने क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ करी। आप सोचिए कि आप खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, ये आप हैं, ओके, ये आप खड़े हुए हैं और यहां पे आपके पास, इस पे आपके फुट हैं। यहां पे आप कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो हमेशा इस आपके परपेंडिकुलर होगी। मींस आपको दिखाई दे या ना दे, मींस कि ये अगर आपने एक लाइन इस एक्स वाई प्लेन पे ये ड्रॉ करी तो ये लाइन भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, मींस 90 डिग्री होगी। या फिर आप कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें ऐसी, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी 90 डिग्री होगी। तो इसको विजुलाइज करिए, आप खड़े होइए और देखिए आपने एक लाइन ड्रॉ करी तो कोई सा भी उस प्लेन पे कोई सी भी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर। इसी तरह से पैरेलल टू, ये जो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, ये पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, इस पे भी कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना। मीन्स एस इज परपेंडिकुलर, एल इज पैरेलल नहीं है, ये हमने गलत लिख दिया, एल इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, एल इज परपेंडिकुलर टू एनी लाइन ड्रॉन ऑन एक्स वाई प्लेन और पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। ओके, तो ये सारी चीजें आपको विजुलाइज करनी है। चलिए, ये सारे तो कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो अब टॉपिक स्टार्ट होगा, एंड दैट इज डायरेक्टेड लाइन एंड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो जैसे इसका नाम है, एकदम क्लियर हो रही है डेफिनेशन की, एक लाइन है और उसमें डायरेक्शन है तो उसे हम डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। एक लाइन सेगमेंट है उसमें डायरेक्शन है उसे हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहते हैं। मींस हमारे पास कोई एक लाइन है जो कि कहीं बहुत दूर से आ रही है और बहुत दूर तक जा रही है और इसमें एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन सपोज अपवर्ड एरो से हमने शो कर दिया, ये डायरेक्शन है। या यही एक लाइन थी जो कि कहीं बहुत दूर से आ रही थी और बहुत दूर तक कहीं जा रही थी, अब इसमें डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है। मीन्स दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, दो डायरेक्शन से तीसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो इसी में से अगर कोई सी भी एक लाइन की अगर हम बात करें, या ये हमारे पास L1 है, ये L2 है, तो ये दोनों L1 L2 क्या है, ये डायरेक्टेड लाइन है। मींस एनी लाइन हैव टू डायरेक्शन, अ लाइन विद वन ऑफ दीज डायरेक्शन, अ लाइन विद वन ऑफ दीज डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन, नॉट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड क्या है हमारे पास, अब अगर हम इस लाइन का एक सेगमेंट ले लें ऐसे, तो इस सेगमेंट में भी दो ही डायरेक्शन होंगी तो सेम चलेगा। अ लाइन विद वन ऑफ दीज डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैव टू डायरेक्शन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की भी दो डायरेक्शन होंगी, अ लाइन विद वन ऑफ दीज डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो ये हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में आपके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी में होता है, इसीलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसको आप डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में रिप्रेजेंट करें उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्लियर, तो देखिए यही हम लोगों ने लिखा, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपके नोट्स भी तैयार करा दें, अदरवाइज समझाने में तो हमें बहुत कम समय लगता, हम फटाफट आगे चलते चले जाते हैं। अब इसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में सपोज आपके पास कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। सपोज ये आपके पास है ए, ये है बी, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये, इसमें ए कहलाता है इनिशियल पॉइंट और बी कहलाता है टर्मिनल पॉइंट, बी इज योर टर्मिनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, कि मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड
टर्मिनल पॉइंट, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देखिए। टर्मिनल पॉइंट वेक्टर को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए बी से, जो वेक्टर है आपके पास उसे तो रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए बी से या फिर ए बी बार। और इसी को अगर आपने स्मॉल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग या तो ए वेक्टर ए या फिर बार ये लगा देते हैं। और इसके वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंपल मॉडुलस, मॉडुलस वेक्टर ए बी। और अगर इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट है तो इसका मॉडुलस, अगर इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट है तो इसका मॉडुलस, इस तरह से रिप्रेजेंट है तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये आपका वेक्टर हो गया। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का। तो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन तो देखिए मैंने आपको बता दी स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको सबसे पहले पोजीशन बताई वेक्टर की, पोजीशन बताई पॉइंट की थ्री डायमेंशन में। ये देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये एक पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, इसका एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है वो जेड है, ये जेड डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, ये वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, और ये जो एक्स है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम वाई जेड प्लेन। तो पोजिशन तो आपकी क्लियर हो गई। अब इसी पोजीशन को अगर आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें तो ये तो डिस्टेंस OP हो गया, और अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर मींस डायरेक्शन दिखा दें कि O से P की तरफ डायरेक्शन है, तो अब इसमें डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं जूनियर क्लास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो क्या था, वो अगर आप, वो था डिस्टेंस OP, वहाँ पे आपने OP पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OP का जो डिस्टेंस है उसे हमने मैग्नीट्यूड का, तो मॉडुलस वेक्टर OP हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, वो वहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे तो हम ये पढ़ चुके हैं, ओके। हमने क्या काम करा, हमने अब इसी पॉइंट को देखिए आगे चल रहे हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। तो सेम हमारे पास है, अब हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में, हमारे पास एक्स एक्सिस है, हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास जेड एक्सिस है, तो और हमारे पास एक पॉइंट पी है, पी एक्स वाई जेड। और देखिए फिर वही चीज़ कि अब तो शॉर्ट, अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ये हमारे पास ये ओ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये डिस्टेंस था हमारे पास z, ये हमारे पास था एक्स वाई प्लेन में, ये था z, ये था हमारे पास z, ये था हमारे पास y और ये था हमारे पास x। इसे पीछे से कंपेयर कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग इस p को, इस o को इस p से मिला दें तो ये जो हमारे पास है OP, वेक्टर OP, ये जो वेक्टर OP है ये हमारे पास कहलाता है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। क्लियर हो गया। तो सेम है, सिर्फ यहां पे डायरेक्शन दे दी। और इस ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो तो हम लोग वही जो सेम हम लोगों ने क्लास इलेवेंथ में ज्योमेट्री पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उससे निकल के आ जाएगा। क्लियर। और वही ओ आपके पास इनिशियल पॉइंट है और पी आपके पास टर्मिनल पॉइंट है। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास, डायरेक्शन एंगल, एंगल डायरेक्शन कोसाइन, और ये आपके अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो देखिए कॉन्सेप्ट आप, और डायरेक्शन रेशियो सब आप अगले चैप्टर में लाइन वाले में भी पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, और इसी के ऊपर बेस्ड है। अब क्या है, अब हमारे पास फिर से सेम एक थ्री डायमेंशनल प्लेन, अभी हम बता चुके हैं। तो देखिए आपने अगर पहले पढ़ लिया होगा इसको, पहले इसका थ्री डायमेंशनल फिगर अपने दिमाग में सेट कर लिया होगा, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या लिया, एक पॉइंट पी लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट ये हमारे पास आ गया पी पॉइंट, ये एक्स वाई जेड। ये मान लेते हैं कि ये जो ओपी है, ये जो ओपी है ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है, और जेड एक्सिस से एंगल ये गामा बना रही है। अभी एंगल विजुअलाइज नहीं होता, अभी हम उसको भी हालांकि विजुअलाइज कराएंगे आपको, ओके। तो लेट
Let alpha, beta, gamma are the angle made by vector OP with the positive direction of x axis. और इन एंगल को कहते हैं हम डायरेक्शन एंगल. ये जो आते हैं डायरेक्शन alpha, beta, gamma, ये हैं डायरेक्शन एंगल. और इन्हीं alpha, beta, gamma का कोसाइन ले ले means cos alpha. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से. सिंपल cos beta, इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से. और cos gamma, इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से. ये कहलाते हैं जैसे कोसाइन है किसका, डायरेक्शन एंगल का, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन. चलिए अब हम बता देते हैं आपको, हालांकि अभी करवाएंगे भी. इसमें जो x है, x आपका प्रोपोर्शनल होगा L के, y प्रोपोर्शनल होगा m के, और z प्रोपोर्शनल होगा n के. मींस ये जो l m n जो डायरेक्शन कोसाइन थे, इनका प्रोपोर्शन है x y z. तो ये जो x y z है, ये जो x y z है, ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशो. क्यों? क्योंकि रेशो में है, कोसाइन के रेशो में है. ये x y z क्या है अभी कैसे आता है ये बता रहे हैं. चलिए देखिए अब हमने क्या किया, सेम जैसे पहले था, हम लोगों ने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया, और इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया. और अब ये थोड़ा छोटा हो गया, इसे रब कर देते हैं और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं. और ये जो है इस एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे किया, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ पे, और एक ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया. अब आप इसे देखकर ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला फ्रंट वाला, ये पैरेललोपिपेड की तरह, ये जो फ्रंट वाला फेस है, ये फ्रंट वाला फेस, ये देखिए, ये जो है इस बैक वाले फेस के, इस बैक वाले फेस के ये पैरेलल है. और ये आपके पास x था, ये y, और ये z, ये x और ये y. ये जो प्लेन है ये yz प्लेन है. मींस ये जो फ्रंट वाला है, ये जो फ्रंट वाला आप देख रहे हैं, ये पैरेलल टू yz प्लेन है. तो पैरेलल टू yz प्लेन है, और ये जो पीछे वाला है वो yz प्लेन है. अब देखिए हमने जो आपको पहले बताया था उसके अकॉर्डिंग ये y, उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, देखिए हमने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी, अब यूज होगा उसका. यहाँ पे हमने आपको कहा कि यहाँ पे आपके पास एक प्लेन आपके पास ये, ओके, और यहाँ पे आप खड़े हैं. तो ये आपके पास zx, ये आपके पास था z-axis, और ये आपके पास x, ये आपके पास y. तो एक्स वाई प्लेन पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी जेड एक्सिस के. इसी तरह से अगर आपके पास वाई जेड प्लेन होगा तो वाई जेड प्लेन पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी किसके, एक्स एक्सिस के. तो वही कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहां लगाना चाह रहे हैं. क्या किया, इस पॉइंट पी से इसको मीट करवाया. अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये वाली जो लाइन है ये लाइन इसके ऊपर है फ्रंट वाले के ऊपर, ओके, ध्यान से देखिएगा. तो ये मींस ये आपके पास ये वाली जो लाइन है ये है आपके पास yz प्लेन में, और ये आपके पास है x एक्सिस. मींस ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. मींस ये जो एंगल है, ध्यान देखिए इतना बड़ा काम हमने सिर्फ इतना इसलिए किया, हम सिंपल भी बता देते कि ये 90 डिग्री है, आप ढूंढते रह जाते. ये देखिए ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, ओके. और ये वाला एंगल तो आपको पता ही है, ये एंगल ओपी है. तो अगर हम इसको टू डायमेंशन में ड्रॉ करें तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया पॉइंट पी, और ये क्यू ले लेते हैं. ये आपके पास ओ क्यू पी, ये 90 डिग्री है. यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ये क्यू, ये 90 डिग्री है, ये ओ, देखिए ओ क्यू पी 90 डिग्री. अब देखिए ये ओ क्यू पी 90 डिग्री यहाँ पे आ गया. ये जो ये वाला एंगल था, इसे दूसरे कलर से करते हैं, देखिए दोबारा से यहाँ पे ये 90 डिग्री है ओ क्यू पी ये वाला, ओके. और ये आपके पास क्यू ओ पी, ये आपके पास अल्फा है, तो क्यू ओ पी मीन्स क्यू ओ पी, ये आपके पास अल्फा है. ये और क्या चीज़ है देखिए इसमें छुपी हुई,
OQ, ये डिस्टेंस जो है ये आपके पास x है, तो OQ मींस ये डिस्टेंस आपके पास x है, और ये जो OP है, ये डिस्टेंस हमारे पास r है, इसे हम इन जनरल वेक्टर r से डिनोट करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड r होता है, तो ये r है, वेयर r इज जो हम लोगों ने कहा था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस वेक्टर ओपी, मॉडुलस वेक्टर ओपी, ये तो ये हमारे पास आर होता है, तो ये आर आ गया। अब अगर हम लोग इसमें यहां पे सिंपल कॉस अल्फा ले लें, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस एक्स इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को हम लोग एल से भी जनरली डिनोट करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आर एल, दिस इंप्लाइज एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्लियर। और इसी तरह से सेम इसी तरह से हमारे पास जब हम आगे फर्दर करेंगे वाई प्रोपोर्शनल, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एम, और यहां पे हमारे पास आर एम आर, दिस इंप्लाइज वाई इज प्रोपोर्शनल टू एल, क्यों, क्योंकि आर तो आपके पास देखिए कॉन्स्टेंट है, एक्स इज इक्वल टू आर एल में आर तो आपके पास कॉन्स्टेंट है, इसलिए एक्स प्रोपोर्शनल हो गया एल के। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एम आर आएगा, ये एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू मीन्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू एम, एल नहीं एम है ये, दिस इज अवर एम, और इसी तरह से जेड इज इक्वल टू एन आर, दिस इंप्लाइज जेड इज प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये जो आपके पास एक्स वाई जेड है, जैसे हमने बताया कि एक्स वाई जेड, यहां पे यहां नेक्स्ट लिख देते हैं कि एल एम एन, ये तो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर या ओपी, और आपके पास एक्स वाई जेड मीन्स एक्स इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर, ये कहलाते हैं हमारे डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो ऑफ वेक्टर आर। ओके, इन डायरेक्शन रेशो को जो हम लोग इन यूजुअली डिनोट करते हैं, यूजुअली यूजुअली डायरेक्शन रेशो, ये जो ए एक्स वाई जेड है, इन्हें हम एक्स वाई जेड से नहीं ए बी सी से डिनोट करते हैं, तो यूजुअली डायरेक्शन रेशो आर डिनोटेड बाय ए बी सी, मीन्स आपके पास ए इज इक्वल टू एल आर, बी इज इक्वल टू एम आर, और सी इज इक्वल टू एन आर। ओके, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए, और एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट आते हैं, नोट पॉइंट क्या है हमारे पास कि हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा, वी नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एल क्या है हमारे पास, देखिए ए अपॉन आर स्क्वायर, यहां से निकालें ए अपॉन आर, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज प्लस सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आर स्क्वायर कॉमन लेके एलसीएम लेके राइट हैंड साइड में, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ओके, आर की वैल्यू निकल गई। अब आपके पास क्या है, सपोज आपके पास जैसे हमने कहा था कि एंगल दिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा दिए तो एलिमेंट निकल जाएगा, एलिमेंट निकल जाएगा तो एक्स वाई जेड निकल जाएगा। अब आपके पास उल्टा है कॉन्सेप्ट, एक्स वाई जेड मीन्स ए बी सी। अब आपके पास क्या, ये दिए हुए हैं डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो क्या दिक्कत है, आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है ए बी सी, तो आपने आर निकाल दिया, यहां से देखिए आर निकाल दिया, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है मींस एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू ए अपॉन आर है मींस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन, यहां से आगे देखिए नी, यहां से आपके पास ये बी इज इक्वल टू एम आर था, मींस एम इज इक्वल टू बी अपॉन आर मींस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप ऑफ वेक्टर बहुत सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, जैसे जीरो वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर, तो जीरो या नल वेक्टर का नाम से ही क्लियर होगा, हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, हैविंग मैग्नीट्यूड। अब अगर किसी का मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप कुछ नहीं कह सकते, कोई सी भी हो सकती है, कैन नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में है भी एक्सरसाइज में, और वहां कंफ्यूज करता है, कैन नॉट बी असाइंड। तो क्या होता है, हम लोग नॉर्मली सिर्फ इतना बड़ा जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो बस, उसके बारे में सोचा ही नहीं, और जब उसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो हम लोग फंस गए।
तो ऐसा नहीं है कि हमें आता नहीं है या मैथ्स वीक है, हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में जाते नहीं है. तो मैग्नीट्यूड जीरो कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन. कोई भी डेफिनेट डायरेक्शन हम इसे असाइन नहीं कर सकते. इट मे बी हैविंग एनी डायरेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड, कुछ भी कर लो जब आप असाइन ही नहीं कर सकते. इसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका, जैसे नाम है यूनिट, जिनका हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है. तो सपोज अगर आपके पास कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड यूनिट है तो हम कहेंगे ये यूनिट वेक्टर है. बट अगर आपके पास, लेट वी हैव वेक्टर ए और हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ जाए इसका, हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. देन जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से और ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए. तो दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. क्लियर? तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है. और किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो बहुत सिंपल, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है को इनिशियल. तो जैसे इसका नाम है को इनिशियल वेक्टर, तो जैसे इसका नाम है कि इनका इनिशियल वेक्टर सेम हो, इनिशियल पॉइंट सेम होगा, मींस सेम इनिशियल पॉइंट. दिखेंगे कैसे ये इनिशियल पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं आपके नोट्स भी तैयार करा दें जितने मैक्सिमम करा सकते हैं, आई थिंक ये सफिशिएंट भी है. वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका इनिशियल पॉइंट हो है, और भी ले लीजिए सी डी, ये भी ले लीजिए, सब जो है ये सब क्या है, को इनिशियल वेक्टर है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज करता है, को लीनियर वेक्टर और इक्वल. इसके बाद नेक्स्ट आएगा इक्वल वेक्टर. को लीनियर वेक्टर क्या होता है, तो जैसे इसका नाम है, देखिए को लीनियर एक ही लाइन पे होंगे तो थोड़ा कंफ्यूज करता है नाम से, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है. मैंने ऊपर तो बताया कि नाम ही क्लियर कर रहा है, पर यहां थोड़ा सा नाम से कंफ्यूज कर रहा है. टू और मोर वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मींस या तो वो पैरेलल हो या सेम लाइन पे हो और उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं. मींस ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये कोलिनियर है, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है. ये ए बी और बी सी, ये भी कोलिनियर, ये सब ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर, सी डी वैक्टर, डी ई, ये आपस में कोलिनियर है. वैक्टर ए और वैक्टर बी, ये सब, ये वैक्टर ए वैक्टर बी, ये सब वैक्टर ए और वैक्टर बी, वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर कोलिनियर. ओके, ये वैक्टर ए. अब इसी में कोलिनियर में ही अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए, जैसे कहां पे है, यहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसमें ए बी और बी सी में, यहां पे, ओके, तो हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर होगा. मींस इक्वल वेक्टर में भी क्या होता है, दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी इक्वल वेक्टर हो सकते हैं. यहां स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं, तो दो पैरेलल वेक्टर भी इक्वल वेक्टर हो सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. तो मींस सेम हम लोगों के पास इसी तरह से आएगा दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. आपके कोलिनियर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती थी, मीन्स सभी इक्वल वेक्टर कोलिनियर होंगे बट कोलिनियर वेक्टर सभी इक्वल नहीं होंगे. और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स्थ, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. तो जैसे इसका नाम है, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. पॉजिटिव नेगेटिव तो डायरेक्शन से होता है कि अगर आपके पास ये वेक्टर ए बी है और ये आपके पास, तो ये जो वेक्टर
बी ए है, वेक्टर बी ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी, मीन्स डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, मीन्स वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास आता है नेक्स्ट वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा में हम क्या करेंगे, हम वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, हम लोगों ने देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले एक जो आपको एग्जांपल कराया था उसमें बताया था कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वहां पे हमने बताया था 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हमने ले लिया 3, ये ए बी, ए से बी को मूव किया एंड देन टर्न, और उसके बाद वो टूवर्ड नॉर्थ मूव किया था। यहां पे हम नॉर्थ नहीं करते, हम कहते हैं कि एंड देन फ्रॉम बी टू सी, वो बी टू सी चला था, वहां तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, उसके बाद जनरलाइज भी किया था उसको। तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो हमने बताया था आपको, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, ये हो जाएगा ये सी। तो देन नेट डिस्प्लेसमेंट, देन नेट डिस्प्लेसमेंट जो है इसका, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर, तो होता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और इसे कहते हैं हम, दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ये इतना सा है बस। तो इट मींस व्हाट कि अगर आपके पास, इफ वी हैव टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है, टेकन इन ऑर्डर का मतलब कि एक ही ऑर्डर में है, टेकन इन ऑर्डर मींस कुछ इस तरह से कि ये आपके पास वेक्टर ए और ये आपके पास वेक्टर बी, तो इनका जो सम होगा, देन सम वेक्टर सी, ये क्या होगा, ये होगा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जिसे हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, मींस ये वाला, ये वेक्टर सी होगा एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं साथ साथ आपको नोट्स भी तैयार करा दें। अब हम कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है कि वी नो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर, तो दिस इंप्लाइज, तो अगर हम ये, हमने यहाँ पे जो किया था इस यहाँ से उठाए हम ये, इसे हम लोग चलिए फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये जो वेक्टर ए सी है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस बी सी था, दिस इंप्लाइज इसे हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर सी ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, मीन्स व्हाट, ये आपके पास था ए बी और ये था आपके पास सी, दिस, तो दिस इंप्लाइज वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये रिजल्ट हम लोगों के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप ट्राइंगल में सेम ऑर्डर में ले लें, मींस ए बी बी सी और सी ए इस ऑर्डर में ले लें, तो जो उसका रिजल्टेंट है वो जीरो होगा, कि व्हेन इट लीड्स टू जीरो रिजल्टेंट। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि जैसे हमारे पास यहां पे एक पॉइंट सी है, अब हमने बी सी लिया, बी सी डैश ले ले, बी सी डैश अपोजिट हो जाए सी बी सी के, मींस ये सेकंड है, ये ए ले लेते हैं, कि लेट बी सी डैश इज सेम इन मैग्नीट्यूड, इसे सेम इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वेक्टर एलजेब्रा की बात करें ना, तो हमने एडिशन किया, आप सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो मींस ये तो हो गया हमारे पास ए बी, तो ये जो हमारे पास बी सी था इसकी जगह हमने लिया बी सी डैश, सेम तो मैग्नीट्यूड में है और डायरेक्शन अपोजिट है, मींस ये सी डैश, मींस अगर आपके पास बी सी, वेक्टर बी सी आपके पास बी है, तो बी सी डैश ये क्या होगा, ये माइनस वेक्टर बी होगा, बी सी डैश इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी सी, तो ये बी सी डैश
ओके तो ये तो हो गया वेक्टर ए और ये हो गया माइनस वेक्टर बी। और यहां से अगर हम ए सी डैश देखें तो देखिए ट्राइंगल लॉ यहां पे अप्लाई हो रहा है कि ए सी डैश इज इक्वल टू ए बी डैश मीन्स वेक्टर ए प्लस बी सी डैश मीन्स माइनस वेक्टर बी ए सी डैश। ओके तो और इट मीन्स व्हाट कि जो ए सी डैश है ये ए सी डैश ये वेक्टर ए सी डैश रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मीन्स डिफरेंस निकालना है तो क्या करना है जो बी सी है इसका बी सी की जगह बी सी डैश उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका उसका डिफरेंस होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ये और इसमें ये ओ ए बी सी इसमें जो दो एडजेसेंट साइड हैं उसका वो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है ये एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ओके तो जो ये वेक्टर ए प्लस बी है वेक्टर ए प्लस बी जो एडिशन है ये कहां से रिप्रेजेंट होता है ये होता है हमारे पास डायगनल से। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो डायगनल होगा डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है विच इज को इनिशियल विद इसमें तो दो डायगनल है ना एक ये वाला और एक ये वाला तो कौन से वाले डायगनल से रिप्रेजेंट होगा विच इज को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर यानी जो वेक्टर ए और बी गिवन है उससे को इनिशियल मीन्स ये जो है ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे होगा बहुत सिंपल है प्रूफ तो एक लाइन का है कि ये जो ओसी है ओसी इज इक्वल टू वेक्टर ओसी इज इक्वल टू ये जो वेक्टर ओसी है दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए बी तो ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा। अब इसमें ट्राइंगल ट्राइंगल ओ ए बी में देख लीजिए इस ट्राइंगल ओ ए बी में देख लीजिए क्या होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ओ बी आपके पास डायगनल है। क्लियर तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था तो प्रूफ तो खैर ज्यादा इसमें नहीं है। अब हमारे पास इसकी आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स वेक्टर के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू अगर हम ऑर्डर रिवर्स कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर आपके पास बी है। ओके तो ये हो जाएगा आपके पास वेक्टर ए प्लस बी। देखिए प्रूफ करवा नहीं रहे हैं सिर्फ समझा रहे हैं इसका प्रूफ आता नहीं है बट समझ लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्वेश्चंस में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके अब हमने क्या किया ये ए बी सी था। अब बी सी के पैरेलल लाइन हम लोगों ने एक ड्रॉ करी ए से मीन्स हमने ये ली ए बी सी डी ए डी ली ए डी इज पैरेलल टू बी सी और डायरेक्शन भी सेम कर दी। तो जैसे डायरेक्शन सेम कर ली दोनों इक्वल वेक्टर हो जाएंगे ये वेक्टर भी हो जाएगा। अब डी से सी को मिलाएंगे तो ये जो ए बी है और ये डी सी सेम हो जाएंगे डायरेक्शन भी सेम कर देते हैं तो और मैग्नीट्यूड तो सेम है ये हो जाएगा। अब आपने देखा ये वेक्टर ए प्लस बी है अगर हम लोग ट्राइंगल इस ये हमारे पास ए सी था कि वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हमने कहा ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहाँ से लिया था इस वाले ट्राइंगल से। ओके अब हमने क्या किया हमने कहा ट्राइंगल चलिए कोई बात नहीं ये लेके देखते हैं ये वाला कौन सा ए डी सी तो ए डी सी से देखिए क्या हो जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू ए सी तो दोनों से वेक्टर ए सी निकला तो वेक्टर ए सी मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ओके तो इसका प्रूफ अब आप खुद कर लीजिएगा ऑलमोस्ट हमने करा ही दिया। दूसरा आपके पास आता है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या मतलब है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब
हमें तीन, हमारे पास तीन वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके। अब ए प्लस बी की भी बात करें तो ए प्लस बी क्या होगा, वो ये हो जाएगा ए प्लस बी। देखिए ये, तो अगर ये ए बी सी ले लें तो ये वेक्टर ए सी जो है, वेक्टर ए सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हमारे पास ये वेक्टर सी है, तो हमने ये वेक्टर ले लिया, ये पॉइंट ले लिया डी, और ये वेक्टर हो गया सी, ये हो गया वेक्टर सी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये जो वेक्टर ए डी है, मीन्स ये जो वेक्टर ए डी है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए सी प्लस सी डी। तो ए सी तो है आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और सी डी है वेक्टर डी, वेक्टर सी, ओके। तो एक तो ये आ गया। अब इसी में हमें लेना है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या है, बी प्लस सी है हमारे पास, ये ले लेते हैं कलर, बी वेक्टर बी प्लस सी है वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी। अब वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी, ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी डी, दिस इज वेक्टर बी डी। मीन्स बी सी प्लस सी डी मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर बी डी, ओके। अब हमारे पास ये, अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल को ले लें, ए बी प्लस सी डी को, ए बी प्लस बी डी को, दिस इज इक्वल टू ए डी। तो यहां से वेक्टर ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बी मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी, वेक्टर बी डी मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहां से तो देखिए, ये भी वेक्टर ए डी है, ये भी वेक्टर ए डी है, तो मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए यही आपके प्रूफ था इसका, कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके। अब बहुत सिंपल, इसमें एक दो पॉइंट और हैं, कि सब थर्ड है कि जीरो वेक्टर इज, जीरो वेक्टर एक्ट एज एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है, और एडिटिव मीन्स ऑपरेशन एडिशन, मीन्स वेक्टर ए में अगर हम ऐड करें जीरो वेक्टर को तो क्या होगा, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है कि किसी के साथ ऑपरेट कराते हैं तो सेम मिलता है हमें, मींस वेक्टर ए ही मिलेगा, और दिस इज इक्वल टू जीरो प्लस वेक्टर, इसे जीरो को जीरो वेक्टर कहते हैं, ओके। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, द नेगेटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक में, हर एक सिस्टम में। तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो नल मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी, और अगर हम यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो वो, उसमें जो आइडेंट 100010 है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। तो बहुत बार आपको करा चुके, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज माइनस वेक्टर ए एक्ट एज एडिटिव इनवर्स, ओके। मींस कि वेक्टर ए में माइनस वेक्टर ए करें तो रिजल्टेंट हमें आइडेंटिटी मिलेगा, मींस माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉन्सेप्ट। तो ये पार्ट जो हम लोगों के पास एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.1 है, उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, कंपोनेंट फॉर्म रह गई है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन्स के कुछ एक दो पॉइंट हम लोगों को डिस्कस करने हैं जो कि कंपोनेंट फॉर्म के बाद आएंगे, यूनिट वेक्टर, तो इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।